नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। आप सब राजी खुशी अच्छे से दिवाली मनाएं, धमाके कम करें और पटाखों के धुआं कम उड़ाएं और रोशनी जरूर करें लेकिन दिलों और दिमागों का उजाला भी बढ़ाएं। हमारे देश में जिस तरह की भयावह बेरोजगारी इस समय है, भयावह जिस तरह की महंगाई है और महामारी के बाद जिस तरह बाजार से लेकर और समाज के हर हिस्से में एक लाचारी सी छाई है, समाज के बहुत चुनिंदा कुछ हिस्सों को छोड़कर, बड़े कारपोरेट, बड़े पूंजीपति, बड़े नेता, बड़े सत्ताधारी, बड़े अफसर, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो वाकई पूरे समाज में लाचारी सी छाई है। ऐसे में दिवाली की जो खुशियां होती हैं, जाहिर है वो कैसे स्वाभाविक, वो खुशियां कैसे लोग हासिल करेंगे, ये हम और आप समझ सकते हैं। लेकिन सियासतदानों के लिए खुशहाली में कोई कमी नहीं है। अब अयोध्या में 12 लाख दिए जलाकर आज विश्व रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। 12 लाख! क्या ईश्वर को खुश करने के लिए एक दिया काफी नहीं है? क्या अपने ईश्वर, अपने खुदा, अपने गॉड के लिए एक श्रद्धा का फूल काफी नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि 12 लाख दिए जो जलाए जा रहे हैं उसके केवल वित्तीय जो उसका जो खर्च का जो मामला है, सिर्फ मैं उस पहलू को नहीं उठा रहा हूं, वो तो खर्चीला है ही है, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? क्या हम अपनी राष्ट्रीय खुशहाली, अपनी सामाजिक खुशहाली के लिए 12 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड अगर बना देंगे तो दुनिया के तमाम देश, तमाम लोग ये मान लेंगे कि भारत में खुशहाली आ गई है, भारत एक खुशहाल देश है? क्या दुनिया को यह मालूम नहीं है कि हंगर इंडेक्स में भारत दुनिया के 116 देशों में 101वें नंबर पर है? 101वें, 94 नंबर पर हम पीछे थे 2020 में, एक साल पहले, और आज 101वें नंबर पर है। यानी हमारी स्थिति और भयावह हो गई है। दुनिया के सबसे अधिक जो भुखड़ देश हैं, जो भूख से परेशान है, भूख से जो ग्रस्त हैं, उनकी गणना जब की गई है तो 180 के आसपास देशों में 116 देश चुने गए और उन 116 में हम 101वें नंबर पर हैं। और हंगर की स्थिति यानी भुखड़ी की स्थिति बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पड़ोस के पाकिस्तान, इन मुल्कों में भी हमसे बेहतर स्थिति है, यानी वो हमसे कम भुखड़ है। हमारे यहां जो हंगर की स्थिति है वो उनसे भी भयावह है। एक समय वो हमसे पीछे थे, खैर पाकिस्तान तो काफी पीछे था, बहुत बुरी स्थिति में था, उसने अपने को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया है। तो हमारा जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी की दर 7.8 से लेकर 8% के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। कभी 8% जाती है, कभी 7.8% पर रहती है। ये हाल अपने यहां बेरोजगारी दर का है। तो महंगाई जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, कभी सोचा भी नहीं गया था कि दिल्ली से लेकर के और लखनऊ और पटना और तमाम जगहों पर जो पेट्रोल और डीजल के दाम होंगे वो 100 क्रॉस कर जाएंगे, क्या किसी ने कल्पना की थी? लेकिन 100 पार के बाद भी लोग क्या कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि लोगों ने इसे अपनी नियति मान लिया है कि सरकारें जो भी करती रहें उसे वो बर्दाश्त करते रहें। तो ऐसे हालात में, ऐसे परिदृश्य में इस बार की दिवाली आई है और 12 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। कोई तीर्थाटन कर रहा है, कोई दिया जला रहा है, और देश क्या करेगा, आवाम क्या करेगी, लोग क्या करेंगे, बेरोजगार क्या करेंगे, बेहाल क्या करेंगे,
जो महंगाई में सब्जी तक नहीं खा पा रहे हैं, प्रोटीन जो सबसे अधिक दालों में आसानी से मिल जाया करता था आम आदमी के लिए, लोग अरहर की दाल नहीं खा पा रहे हैं, इस देश के बड़े हिस्से के लोग वो क्या करेंगे। तो आज की बात में हम ये 12 लाख दियों की दिवाली और ईश्वर को खुश करने की ये जो एक कला है, इसको कलाबाजी कहिए, कला कहिए या दिखावा कहिए, जो भी आप कहिए, मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई भी हिस्सा कहीं भी आप इस तरह की बात, कोई भी समझदार, विवेकशील और जनता के लिए एक सरोकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह के अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को एप्रिसिएट करेगा। और दोस्तों, हमारी दूसरी जो आज की खबर है, हमने सोचा कि आज की बात में आज दो मुद्दों पर बात करें। अभी अभी चुनाव खत्म हो गए हैं, बाई इलेक्शन उनके रिजल्ट आ गए और जो रिजल्ट आए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। आमतौर पे उपचुनाव के बारे में कहा जाता है कि उपचुनाव जो सरकारें होती हैं, सत्ताधारी जो दल होता है, उनको फेवर करते हैं, उनके इर्द गिर्द ही चुनाव के रिजल्ट होते हैं। लेकिन इस बार के चुनावी रिजल्ट के बारे में आंख मूंद कर ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह सही है कि बंगाल में टीएमसी ने और असम में बीजेपी ने, दोनों सत्ताधारी हैं उन राज्यों में, उन्होंने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी शासन में है और वो चारों खाने चित हो गई। न सिर्फ विधायक की सीटें हार गई, असेंबली की सीटें हार गई, बल्कि लोकसभा की बेहद प्रतिष्ठित सीट, प्रेस्टिजियस सीट मंडी भी वो हार गई। मंडी जिसे भाजपा अपना गढ़ समझ रही थी और जहां बीजेपी ही जीती थी पिछली बार। तो मैं समझता हूं कि ये हर जगह रिजल्ट एक जैसे नहीं है। ठीक इसी तरह कर्नाटक का देख लीजिए, कर्नाटक में हंगल सीट हार गई बीजेपी। वो हंगल जो बोम्मई साहब, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और बसवराज बोम्मई, और वो उनका अपना गृह क्षेत्र है, वहां भी वो अपना उम्मीदवार नहीं जिता सके। और टीआरएस, बेहद ताकतवर टीआरएस, जिसे तेलंगाना में माना जाता है कि उसकी अभी भी तूती बोलती है, वह भी एक सीट हार गई, वहां बीजेपी जीती। हालांकि बीजेपी इसे अपनी जीत कहकर, मैं नहीं समझता कि अपनी पीठ वो ठोंक सकती है, क्योंकि ये जो सज्जन चुनाव जीते हैं वो टीआरएस की गवर्नमेंट में मंत्री रहे, और मिस्टर राजेंद्रन जो मंत्री रहे उनको पार्टी ने बाहर कर दिया था। वो प्रोटेस्ट में उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़कर और चंद्रशेखर राव से बदला लूंगा, और उन्होंने बदला लिया, चुनाव जीत गए। तो बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो सीटें, इसी तरह से आप बिहार में देख लीजिए, बिहार में दोनों सीटें इस बार जेडीयू के पास गई और दोनों सीटें उन्हीं की थी। वो क्यों गई इस पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे जो चौंकाने वाले जो नतीजे हैं वो हिमाचल के हैं, और जैसा मैंने आपसे पहले कहा कर्नाटक के हैं, और इन दोनों जगहों पर बीजेपी सत्ताधारी है। एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है कि जब पूछा गया हिमाचल के मुख्यमंत्री से कि आखिर इतनी निराशाजनक हार आपको कैसे मिली, क्योंकि फतेहपुर में भी हार गए, अर्की में भी हार गए, जो कि दो विधानसभा क्षेत्र हैं, और एक जो सीट जो 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 जहां कांग्रेस जीती है वहां भी वो हारे और बुरी तरह हारे, और मंडी तो हार ही गए। तो ऐसी स्थिति में आखिर इस हार का क्या कारण है, जब जयराम ठाकुर साहब जो मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने सीधे कहा, दिल की बात नहीं बल्कि जो सच था वो सामने आ गया। उन्होंने कहा महंगाई ने हराया, यानी जिस महंगाई को, जिस बेरोजगारी को
केंद्रीय सत्ता जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है उसके नेता अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लगता है कि हम महंगाई बढ़ाते रहें, बेरोजगारी बढ़ती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब कुछ हिंदुत्व संभाल लेगा, सब कुछ कारपोरेट संभाल लेगा। इतना खर्चीला चुनाव, इतने कोशिश करके सारा चुनाव मैनेज कर लिया जाएगा और महंगाई और बेरोजगारी से जनता चाहे जितनी प्रभावित हो जाए वो बीजेपी को ही वोट देगी। लेकिन हिमाचल की जनता ने दिखा दिया कि वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी और उन्होंने बुरी तरह हरा दिया। तो मुख्यमंत्री को ये बात माननी पड़ी कि महंगाई ने चुनाव हराया। और कर्नाटक में भी अभी हमारी बात हो रही थी बंगलुरु में एक पत्रकार मित्र से, उन्होंने कहा कि बंगलुरु में भी माहौल यही है, वहां भी बीजेपी के सियासतदानों का कहना है कि जो हार हुई है उसमें तेल का बहुत बड़ा कारण है, यानी पेट्रोल डीजल एक मेजर फैक्टर है। तो दोस्तों ये जो पहलू है इस बाई इलेक्शन का कि इस बाई इलेक्शन में जो आमतौर पर माना जाता था कि सत्ताधारी दल या सरकारों के पक्ष में जाते हैं ये नतीजे, वो हर जगह नहीं गए, कुछ जगह गए जैसे बिहार में, वो क्यों गए, टीएमसी के पक्ष में गए, असम में बीजेपी के पक्ष में गए। लेकिन हम ये ट्रेंड बता रहे हैं कि जिन जगहों पर सत्ताधारी दल की कोशिशों के बावजूद, और आप जानते हैं बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों की परफॉर्मेंस का रिव्यू करके हाल में 6 महीने में 4 CM बदले थे, 4 चीफ मिनिस्टर बदले थे, कर्नाटक में भी चीफ मिनिस्टर बदले हैं, लेकिन इसके बावजूद उसको कोई कामयाबी नहीं मिली है, बहुत बड़ी कामयाबी जिसको उल्लेखनीय कहा जा सके। तो ये आश्चर्यजनक घटना है और आगे के राजनीतिक परिदृश्य पर इसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। अब हम आते हैं बिहार के चुनाव पर। बिहार में 2 सीटों पर चुनाव था, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। ये दोनों सीटें जेडीयू की थी जहां उनके उम्मीदवारों की मृत्यु हुई और बाद में बाई इलेक्शन की नौबत पैदा हुई। इस चुनाव का जो बहुत दिलचस्प और सबसे ज्यादा उल्लेखनीय पहलू है वो क्या है, वो ये है कि हर दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, क्योंकि बीजेपी ने जेडीयू के साथ वो रहे हैं और अलायंस है, तो जेडीयू ने अपना कैंडिडेट दिया था, बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूट चुका, फॉर्मली उन्होंने अनाउंस नहीं किया है लेकिन इस बाई इलेक्शन में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी जिसका नाम अब बदल गया है, रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जिसकी अगुवाई करते हैं, वो अलग लड़ी। तो ये सभी पार्टियां अलग अलग लड़ी और नतीजा ये आया कि जेडीयू ने चुनाव जीत लिया। कुशेश्वर स्थान में उसने काफी अच्छे बहुमत से जीता, तारापुर में थोड़ा कम, लेकिन इन दोनों चुनाव में जेडीयू की जीत बताती है कि अभी भी नीतीश कुमार का, पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को माना गया था कि वो थर्ड पोजीशन पर आ गए, यानी पहली सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, फिर बीजेपी, फिर जेडीयू, लेकिन नीतीश कुमार का सिक्का अभी कायम है बिहार की सियासत में, इन बाई इलेक्शन से साफ हो गया, क्योंकि उन्होंने गैर यादव ओबीसी में जो उनकी पहले से पैठ रही है, ऐसा लगता है कि उन्होंने उस पैठ को बरकरार रखा है। और दूसरी बात कि लालू प्रसाद यादव बाई इलेक्शन में पहली बार आए, इसके पहले वो जेल में थे, पिछला विधानसभा चुनाव भी उन्होंने नहीं देखा, तो उनके बगैर, उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने लीड किया था उस चुनाव को और अच्छी कामयाबी उनको मिली, भले ही सरकार न बनी लेकिन बढ़िया परफॉर्मेंस। लेकिन लालू यादव के कैंपेन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इस बार बुरा प्रदर्शन साबित हुआ। और कांग्रेस में युवा जोश इस बार झोंका गया, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल, कई दिनों तक लोगों ने काम किया, लेकिन इतना बुरा हाल हुआ कि कांग्रेस पार्टी थर्ड पोजीशन पर भी नहीं रही, फोर्थ पोजीशन पर आ गई, फोर्थ पोजीशन। तो इससे साबित होता है कि सिर्फ कांग्रेस युवा जोश से रिवाइव अपने को नहीं कर सकती है, उसके पास सही होश भी चाहिए, राजनीतिक होश। कांग्रेस शायद रिवाइवल के लिए सिर्फ युवा जोश को समझती है कि कारगर होगा, लेकिन जब तक उसके पास सही राजनीतिक होश नहीं होगा तब तक बहुत ही मुश्किल काम है।
तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.